So now we have reached that most awaited moment, and that moment is welcoming the living legend. He is here, and I request all of our guests to please stand while Anwar Maqsood Saab joins us on the stage. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Please take your seats. And we really would like to have pin drop silence in this room. I think what is going to happen has never happened in our city. We have somebody among us ki jinke bare mein ye kaha ja sakta hai ki kach kalahon ne mere zikr pe ghabra ke kaha zeher de do ise is daur ka Suqrat hai ye. ये तो आदाब सियासत को समझता ही नहीं, साफ कह देता है हर एक बात. कोई बात है ये? हम बदर मुनीर साहब के और शाहिद रसाम साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये सआदत मुहैया की कि हम इस कदावर शख्सियत को अपने दौर दरमियान देख भी सकें और इनकी बात को भी सुन सकें. देखिए, मुल्क के जो हालात हैं वो आप सबको पता हैं कि अब तो हम घर से निकलते हैं तो रख देते हैं ताक पे इज्जत सादात भी दस्तार के साथ. इस कदर खौफ है इस शहर की गलियों में कि लोग चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ. हमको उस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग मैमार को चुन देते हैं दीवार के साथ. पाकिस्तान की तारीख के बाब पे सफ़ाए अदब आर्ट्स तहजीब व तमद्दुन पे शायद ही कोई नामे ग्रामी इतनी आबो ताब से चमका होगा और चमकता दिखाई दे दिया होगा जितना के मोहतरम अनवर मकसूद साहब का है. आपकी जन्मभूमि हैदराबाद हिंदुस्तान है जहां आपने गुलबर्गा ट्रस्ट स्कूल औरंगाबाद हिंदुस्तान में तालीम हासिल की. उसके बाद 1948 में आप अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए. कराची में सेंट पैट्रिक स्कूल में दाखिला लिया, रिहाइश पीआईपी कॉलोनी में थी, फिर सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री की. आपने अपने कलम से सिर्फ तलवार ही का काम नहीं लिया बल्कि इसे एक जादू की छड़ी बना डाला जो इल्म फहम और मारिफत की जो गठड़ी थी उससे बेजान अल्फाज को वो जिला बख्शी कि जो हमारे माशरे के मसाइल खुशियाँ जज्बात बनकर पाकिस्तान के ड्रामा और स्टेज शो पर थरकने लगे. इन किरदारों में इंसानी सिफात और खसलतें, माशरती सियासी और तहजीबी इकतदार जो एक मखसूस मजा का लिबास ओढ़े हुए दिखाई देती थीं. आपकी लिखी हुई कहानियाँ स्क्रीन के जो प्ले थे स्क्रिप्ट वो दास्तान सुनाने के लिए सुनने और देखने वालों के वक्त मकाम की कैद से भी आज़ाद रहे. कभी एक्टिंग भी की मगर उस वक्त जब मोइन अख्तर या तो पटरी से उतर गए या फिर उन्होंने स्क्रिप्ट ही मिस कर दिया तो उस वक्त अनवर मकसूद साहब को थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी पड़ गई. अब आपकी मैं यही कहूँगा कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई उदू इनकारी है. इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जांवारी है. जब साज सलासिल बजते हैं हम अपने लहू में सजते हैं. वो रस्म अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है. शुक्रिया डॉक्टर साहब. मेरी जगह अगर शहबाज शरीफ यहाँ आते तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं. डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं. पहली मर्तबा बदर मुनीर साहब के कहने पर और डॉक्टर नबी सैयद साहब के इसरार पर मैं आपके शहर पहुंचा हूं. हवाई जहाज़ जब नीचे उतर रहा था तो मैंने ज़मीन को देख के एहसास कर लिया कि ये शहर शराफत से भरा हुआ है और किसी शहर में मुझे ये तहजीब नज़र नहीं आई. डॉक्टर साहब यजीद के ख़िलाफ़ हैं, सैयद हैं, इसी वजह से इन्होंने ज़ैनब को पीएचडी कराने के लिए रख लिया है.
इंटरनेशनल पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने भी देखा था, मगर वो तो नेशनल पाकिस्तान भी नहीं बन सका। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ख्वाब डॉक्टर साहब ने देखा है, जिसकी ताबीर शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी मरी की पहाड़ियों के दरमियान है, यूनिवर्सिटी के अहाते में पहाड़ियाँ भी होंगी, और दुनिया का हर जो चीज़ आप सोच सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के जानवर भी होंगे, एक जगह रखे जाएंगे, मगर बंदर नहीं होंगे, क्योंकि बंदर, डार्विन की थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, और पाकिस्तान में लाखों की तादाद में बंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से इमरान खान की बहुत दोस्ती थी, उन्होंने ही वो ज़मीन डॉक्टर साहब को दी यूनिवर्सिटी के लिए, मगर इमरान इस वक्त जेल में हैं। मगर अल्लाह ताला का शुक्र कि डॉक्टर साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मजबूरी हमारी ये है कि उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब ने उनको रास्ता दिखाया और एक रोशन रास्ते पे चलने की दुआ की कि बच्चे उस रास्ते पे चलें। मैं अपने मुल्क से जाके कभी पाकिस्तान की बुराई नहीं करता, 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मगर अब जो हालात हैं मुल्क के, उस पर अकबर अलाहाबादी ने कहा था, जो है ज़बाँ पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। ये मजबूरी है, मुझे कुछ कहने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में, जब तक फौज है। क़यामत तक पाकिस्तान नहीं रहेगा मगर फौज रहेगी। छिहत्तर बरसों से मेरे दिलो दिमाग पर एक कर्ज सवार है, जिसका सूद मेरे मुल्क को देना है। हर लम्हा सूद बढ़ रहा है, उस सूद को उतारने की अहलियत किसी भी हुक्मरान में नहीं है, न पहले थी, और अब सूद उतारने की हिम्मत दिन ब दिन मेरी उम्र की तरह कम होती जा रही है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ सूद बढ़ रहा है। हर बैंक इस्लामी बैंक है सूद से पाक, मगर पाकिस्तान सूद से भरा हुआ है। आप लोग कई सालों से यहाँ हैं, बहुत सो के माँ बाप पाकिस्तान में हैं, माँ बाप के साथ गुजारे हुए दिन रात एक फिल्म की सूरत में आपकी तन्हाई की रौनक हो जाती है। एक वफाकी वजीर ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, उनको तो ना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए ना उन्हें वोट का हक है, वो तो सिर्फ अपने वालदैन को दफनाने पाकिस्तान आते हैं। वजीर मौसूब भूल गए, वही लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अपने वालदैन का मालूम है कि कौन है। मैं टोरंटो आया था, टोरंटो में आधा टोरंटो तहरीक इंसाफ से भरा हुआ है, आधा फौजियों से भरा हुआ है। कनाडा में अमीर कैनेडियन के घर छोटे छोटे हैं,
और हमारे गरीब फौजियों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, महल हैं। हमारे फौजी मोहब्बे वतन हैं, मगर रिटायर्ड होने के बाद वो किसी दूसरे मुल्क के मोहब्बे हो जाते हैं। आम पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है। 14 अगस्त को अपने घरों पर पाकिस्तानी झंडे लगाता है और कमाई हुई दौलत पाकिस्तान भेज देता है। इन लोगों की हमें इज्जत करना चाहिए, आप सब इज्जत के काबिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब यूनाइटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। इस साल का बजट IMF तैयार कर रहा है। IMF एक लानत है, जिल्लत, बल्कि लानत क्या, जिल्लत है। जिल्लत अमरीकियों की तकदीर में लिखी है, मगर उठाते पाकिस्तानी हैं। अमरीका अजीबोगरीब मुल्क है, हर मुल्क में पीस चाहता है, मगर जब उसे उस मुल्क का पीस मिल जाता है फिर वो इमदाद करना शुरू करता है। मैं किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं हूँ, न तहरीक इंसाफ का, न नून का, न पीपल्स पार्टी का, न जमात इस्लामी का, न MQM का। वजह यह है कि मैं दिलो जान से सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। आजकल पाकिस्तान में मुझे गाजी पर बात करने की इजाज़त नहीं है और अमेरिका में गाज़ा पर बात करने की इजाज़त नहीं है। ज़हरा निगाह मेरी बहन है बड़ी, उनकी एक ताज़ा नज़्म है जो उन्होंने गाज़ा पर लिखी थी, जिसका तर्जुमा अब फ्रेंच में, इटालियन में और हिंदुस्तान में हर जगह हो चुका है, चीन में भी हो चुका है। ताज़ा नज़्म है उनकी, काट की गुड़िया भी जिंदा, काट की गुड़िया भी जिंदा, रुई का हाथी पाइंदा, खेलने वाले सब मुर्दा। काट की गुड़िया भी जिंदा, आप देखते हैं कि गुड़िया है, हाथी पड़ा हुआ है। काट की गुड़िया भी जिंदा, रुई का हाथी पाइंदा, खेलने वाले सब मुर्दा। हाल ने सब कुछ छीन लिया, क्या माजी क्या आइंदा। लबे इसहाक भी मोहर बलब, दीवारे गिरिया खामोश। हजरत इसहाक का है, लबे इसहाक भी मोहर बलब, दीवारे गिरिया खामोश, क़िबले अव्वल अक्सा भी दूर से देख रहा खामोश। कोहे गरां भी सोए हुए, बहता हुआ दरिया खामोश। सारी अजाने बे आवाज़, दीन भी चुप दुनिया खामोश। आग उगलते सांप हर जा, और मूसा की असा खामोश। टुकड़े टुकड़े घर वाले, बचा हुआ बच्चा खामोश। ये ज़हरा निगाह की नज़्म थी। पाकिस्तान में अचानक पीर के दिन छुट्टी कर दी गई और यौम बम मनाया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज के दिन बम फाड़ा था। नून की हुकूमत है, फौज को खुश करने के लिए यौम बम मनाया गया। रोटी 30 रुपए की, नान 50 रुपए का, फल आम आदमी की खरीद से बाहर, आटा चीनी आपे से बाहर। किसान अनाज उगाकर भी भूखे बैठे हुए हैं। सैलाब का पानी उतर के नहीं दे रहा है। स्कूल बंद, तालीम बंद, सिर्फ एटम बम। पाकिस्तान के पास सिर्फ एटम बम है। एक गरीब आदमी दुकान पर गया, उसने कहा मुझे पाव भर एटम बम दे दो, क्योंकि वो ही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मैं बहुत दिनों से खामोश था खुदा की तरह, मगर यहाँ कुछ बोलना पड़ रहा है। मोहब्बत है मुझे पाकिस्तान से। मेरे वतन, मेरी हर एक दुआ है तेरे लिए, मेरे खुदा से मेरी इल्तिजा है तेरे लिए। तुझे वो गम ना मिले जो मेरे नसीब में है।
मुझे कनाडा मुनीर साहब ने बुलाया था, उनका नाम ऐसा है, मैं डर के मारे आ गया। साहब ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। टोरंटो के शो में, थिएटर में 1600 लोग थे, 200 खड़े हुए थे। न खाना था न गाना था, 6:30 बजे का वक्त था, हॉल 5:30 बजे भर चुका था। ज़रा मेरे प्रोग्राम को गौर करें, 25 मई टोरंटो, 31 मई डेलस, 1 जून कैलगरी, 2 वैनकूवर। मेरी उम्र 84 बरस है। सड़कों पर टोरंटो में इश्तहार लगे थे 40-40 फीट लंबे, लिविंग लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान लाइव इन टोरंटो 25 में, शो सोल्ड आउट। पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो लाइव और लिविंग निकाल देंगे लोग। पच्चीस बरस से ARY के बोर्ड पर हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं। ARY मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान में, मोइन अख्तर के साथ डू स्टॉक के 419 प्रोग्राम्स किए। जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है वो मैं मोइन से 12 बरस पहले कहलवा चुका हूँ। मोइन के लिए मैंने 32 बरस लिखा और मोइन ने उसका हक अदा कर दिया। बहुत बड़ा अदाकार, बहुत बड़ा अदाकार, स्क्रिप्ट संजीदा हो या मजाहिया, मोइन कमाल कर देता था। ईद के दिन के लिए मैंने एक नया प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, वो आप लोग देख नहीं सके क्योंकि वो हुकूमत को पसंद नहीं था। एक टॉक शो में मैं एक सरकारी अफसर को बुलाता हूँ, एक IG को और एक कर्नल को। ये तीनों TV के मशहूर अदाकार हैं। इन तीनों को खबर नहीं होती कि मेरे आखिरी मेहमान कौन है। आखिरी मेहमान मेरा शैतान था। शैतान नॉर्मल शक्ल का इंसान, काली शलवार, काली कमीज, काली शॉल और काली अनेक लगाए आता है, वेरी गुड लुकिंग मैन। मैं कहता हूँ शो के आखिरी मेहमान अपने बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं निकाला हुआ हूँ। निकाला हुआ हूँ मगर इदारे का नाम भी नहीं बताते। शैतान आकर बैठ जाता है। आज ये पूछते हैं आप किस इदारे में काम करते थे। शैतान कहता है उस इदारे में आपका जाना मुश्किल है, जन्नत से निकाले गए थे। फिर कहता है आजी साहब मेरा काम आप कर रहे हैं, सरकारी अफसर साहब मेरा काम आप कर रहे हैं, और कर्नल साहब आप भी मेरा काम कर रहे हैं, आप तीनों ने मुझे आउट ऑफ जॉब कर दिया है। मैं सारा दिन बेकार अपने कमरे में लेटा रहता हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अब मुझे क्यों भेजा खुदा ने पाकिस्तान, कुछ करने को नहीं है यहाँ। कर्नल खड़े हो जाते हैं, कौन हो तुम? छोड़े मैं शैतान हूँ। तो कर्नल जोर से कहते हैं लाहौल वाला कुव्वत, तो एकदम कर्नल गायब हो जाते हैं, सरकारी अफसर गायब हो जाते हैं और IG गायब हो जाते हैं। तो कर्नल, IG और सरकारी अफसर तीनों गायब हो जाते हैं और शैतान कुर्सी पर बैठा हंसता है और ताली बजाता रहता है। ये ऑन एयर नहीं जा सका। एक और प्रोग्राम जो मैं लिखा था वो भी आप नहीं देख सके, मेरे लिए प्रॉब्लम है। बकौल मीर के, क्या शौक की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज पर कुछ न लिखा जाता। क्योंकि मना करने वालों को ये खबर नहीं होती, सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती, सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। डू स्टॉक की तरह का शो था,
एक बेकार बेरोजगार आदमी का मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैं कहता हूँ मेरे पहले मेहमान हैं, तो वो कहता है पशेमान परेशान मरा हुआ इंसान, फिर भी जबान पर जीवे जीवे पाकिस्तान। भाई फिर आप जिंदा क्यों हैं? मजबूरी है अनवर साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी अनवर साहब? हम जिंदा कौम हैं। क्या करते हैं? बस तराना गाते रहते हैं, पाक जज़्मी शादबाद। ये तो कौमी तराना है अनवर साहब, हम तो हालाती तराना गाते हैं। हालाती तराना कौन सा है? इस डंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। भाई इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अनवर साहब किस परचम की बात कर रहे हैं? मरियम के अब्बा का परचम, कासिम के अब्बा का परचम, बिलावल के अब्बा का परचम। एमकेएम के बारे में कुछ नहीं कहा, वो तो हर सियासी परचम का साया ढूंढते फिरते हैं। जिस परचम के नीचे जरा सा भी साया मिल गया वो खड़े हो जाते हैं। अपने परचम के साए तले तो हम सिर्फ 14 अगस्त के दिन होते हैं। पढ़े लिखे हैं ना, होता तो अच्छा था। उर्दू में एमए किया था, थोड़े दिन सिंध के सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वालों को उर्दू पढ़ाई। फिर जब वो मुझे गालिब के अशार का मतलब बताने लगे तो डर के मारे मैंने सिंधी सीख ली। कहाँ रहते हैं? गालिब के डिज़ाइन का एक बेदरो दीवार सा क्वार्टर है, दिन भर घूमता रहता हूँ। कोई पढ़ने वाला मिल जाए, नहीं मिलता तो रात में अपने क्वार्टर की छत पर लेटा आसमान को देखता रहता हूँ। आसमान क्या देखते हैं अनवर साहब? 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। मगर इन स्टार्स को मालूम नहीं अनवर साहब के सितारों से आगे जहां और भी है। इलेक्शन में वोट किसको दिया अनवर साहब? शनाख्ती कार्ड नहीं है ना पासपोर्ट है। क्यों? घर वापस जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। रही शनाख्ती कार्ड की बात, तो मेरी कोई शनाख्त नहीं है। वोट तो डालना चाहिए अनवर साहब, मैं डाका डालने का सोच रहा हूँ। बीवी बच्चे हैं, बीवी मर गई, सुनकर दुख हुआ मुझे। बोले दुख की बात नहीं, वो और किसी पर मर गई, मुझे छोड़ दिया। कहने लगी गालिब इकबाल फैज मीरा जी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक बैंक के अफसर से शादी कर ली। तो आप अकेले रहते? जी हाँ। बेटा आपका अमेरिका में है? जी जी। उसके 4 बच्चे हैं, बेटे के पास चले जाएं? यहाँ अकेले रहते हैं आप घर में? अनवर साहब उसकी बीवी काम करती है, बेटा काम करता है, 4 बच्चे हैं। वहाँ जाऊँगा तो कहेंगे दादा बर्थडे है, गुब्बारे फुला दें। दादा आज स्कूल आप छोड़ के आएंगे। दादा घास पर से बर्फ़ साफ कर दें। दादा कुत्ते को टहला के ले आए। अनवर साहब कैद बाबा शक्कत से यह कैद तन्हाई बेहतर है।
बेटा मिलने आता है, आता है, क्योंकि क्वार्टर उसके नाम है। इस दफा मुझे एक बड़ा सेल फोन दे गया और कहने लगा आप बच्चों से उनको देख सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, ये आप रख लें। वो चला गया, मगर 60,000 रुपये दे के नहीं गया, क्योंकि उस सेल की ड्यूटी जो है उस सेल फोन की पाकिस्तान में 60,000 रुपये है, वो मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। आपने अपना नाम नहीं बताया, मत पूछो नाम में क्या धरा है, नाम बता दें शायद मैं आप पे काम आ सकूं। नाम तो मेरा ऐसा है कि मैं शायद तुम्हारा काम कर दूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। खुदा हाफिज। ये भी प्रोग्राम आपने नहीं देखा। कराची के हवाई अड्डे पर टोरंटो रवानगी से कबल सारे लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अनवर साहब, क्या आप भी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? भाई, पाकिस्तान मुझे छोड़ सकता है, मैं पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ूंगा। अनवर साहब, आप कनाडा जा रहे हैं, कनाडा और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? बेटा, कनाडा में प्रोस्टिट्यूशन पर पाबंदी है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पर पाबंदी है, यही सबसे बड़ा फ़र्क है। एक खातून आई, अनवर साहब अम्मा व्हील चेयर पर बैठी हैं। मैंने कहा बीबी कोई बात नहीं, सारा पाकिस्तान व्हील चेयर पर बैठा है। अम्मा दुआ मांग रही हैं कि अल्लाह करे कि आपका नाम ECL पर हो, ताकि आप पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम ECL पे नहीं है। करिए आप अम्मा के साथ एक तस्वीर खिंचवा सकते हैं? मैंने कहा जी, मुझे ज़रा व्हील चेयर को धक्का दे दें, मैं फिल्म बना लूँ। तो मैं उनकी वालदा की व्हील चेयर को धक्का देता हुआ गया, उन्होंने फिल्म बना ली। तो एक साहब मेरे पास आए, कह रहे कि बेगम की तबीयत ठीक है? अब बात यह है कि प्रोग्राम है तकमील का। पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट हुए वो कोई भी तकमील तक नहीं पहुंचा। तो डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा नाम रखा है, शुरू ही तकमील से किया है कि नाम ही तकमील रखते हैं। तालीम पे जोर दे रहे हैं बच्चों की। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब हुकूमत की तालीम पे जोर दें। जो हमारे वज़ीर हैं, सदर हैं, मुशीर हैं, सफ़ीर हैं, अगर वो तालीम हासिल कर लें तो फिर पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है तालीम की। क्योंकि पाकिस्तान में अगर बच्चे तालीम, अभी मैं देख रहा था बलूचिस्तान पर, मैं जाता हूँ बलूचिस्तान, बहुत खूबसूरत, सबसे अच्छा सूबा है बलूचिस्तान। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्दे कोहिस्तानी, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। जॉन एलिया से मेरी बहुत दोस्ती है, डॉक्टर साहब की भी थी। जॉन एलिया से मेरी ख़तों किताबत भी है, अभी भी मैं उनको ख़त लिखता हूँ और उनका जवाब भी आता है मेरे पास। मरने के बाद जॉन बहुत पॉपुलर हो गए सोशल मीडिया की वजह से और नौजवानों में। अगर मैं हिंदुस्तान जाऊं तो सब कहते हैं अनवर सिर्फ जॉन पे बात करें, ना फराज पे बात करें, ना फैज पे, ना इकबाल पे, ना गालिब पे, जॉन पे बात करें। और नौजवान यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ नौजवानों में इसलिए मकबूल हैं कि उनको लोग कोई पॉप स्टार, रॉक स्टार समझते हैं। बाल बड़े बड़े, अजीब सी शक्ल, यूं यूं कर रहे हैं, सिर्फ गिटार हाथ में नहीं है उनके, बाकी तो मिक जैगर लगते हैं बिल्कुल ही। जॉन का खत है, तवील है, जानी तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई कि हालात बहुत खराब है। अगर हालात अच्छे हो गए तो अनवर मकसूद फिर तुम किस काम के, ना बोल सकोगे ना लिख सकोगे।
तुम बोलते हो बुरे हालात की वजह से, लिखते हो बुरे हालात की वजह से, दुआ मांगो जब तक तुम जिंदा हो हालात बुरे ही रहें। जानी हालात कौम ठीक करती है, मुल्क के अवाम ईरान या चीन से बरामद नहीं किए जाते, कौम का हुक्मरान तबका आसमान से नहीं टपक पड़ता। हुकूमतें आमतौर पर गैर जज्बाती होती हैं और अवाम बेहद जज्बाती। अगर अवाम जज्बाती ना हो तो कौम की तारीखी, तहजीबी, तमदनी और तख्लीकी असासें तबाह हो जाती हैं। हुकूमत और अवाम जहाँ दोनों जाहिल हों, तालीम से दूर हों, तो फिर शानदार हाल और मुस्तकबिल का वो ख्वाब कैसे पूरा होगा जिसकी ताबीर हासिल करना किसी एक फ़र्द या किसी एक तबके का नहीं, सारी कौम का फ़र्ज़ है। जानी तुम्हारी कौम ही नहीं है। फ़ौज के सरबराह का इस्तकबाल करने तुम्हारे वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी से उठकर नीचे जाता है दरवाज़े तक, और शायद वो फ़ौजी सरबराह की गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल देता मगर दरवाज़ा एक सिपाही ने खोल दिया। बाद में उस सिपाही को वज़ीर आज़म डांटा होगा कि जो काम मेरा था वो तूने क्यों किया। जानी फ़ौज का सरबराह सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे आता है। जब वज़ीर आज़म का ये हाल है तो वज़ीरों का क्या होगा। छोड़ो इन बातों को, तुम जानो या तुम्हारा मुल्क, रोशनी के इंतज़ार में अंधेरों से लड़ते रहो। जानी जब इस्लाम फैला था उस वक्त मुसलमान सिपाही कहता था इस्लाम कबूल करो नहीं तो हमसे जंग करो। तुम्हारे यहाँ बहादुर कहते हैं कबूल करो, तो जानी उनसे जंग कौन कर सकता है। सब कहने लगते हैं कबूल कबूल कबूल। जानी मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मगर फ़ौज के जमहूरियत में दखल हो के ख़िलाफ़ हूँ। जानी 45 बरस पहले मेरे एक बहुत अच्छे शेर की पैरोडी करके तुमने मेरे शेर को तबाह कर दिया था। उस वक्त फ़ौज कराची में गश्त कर रही थी, मोइन अख्तर मेरे रूप में मेरी तरह पढ़ रहे थे। जानी मेरा शेर था, क्या वो बिसात उलट गई, हाँ वो बिसात उलट गई, क्या वो जवान गुजर गए, हाँ वो जवान गुजर गए। मोइन ने कहा हालात को देखते हुए ट्रक जा रहे हैं फ़ौजियों के, मेरा शेर सुनिए, क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम, क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो ट्रक गुजर गए। मगर जानी शेर ने मुझे पॉपुलर कर दिया था। जिस गली में जाता बच्चे मेरे पीछे भागते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारते क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो ट्रक गुजर गए। इसी शेर को तुमने पिछले हफ्ते एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में फिर बदल कर सुनाया। जानी तुम्हारा ये शेर मुझे ओरिजिनल शेर से अच्छा लगा। तुमने पढ़ा क्या वो बिसात उलट गई, हाँ वो बिसात उलट गई, क्या वो जवां फिर आ गए, हाँ वो जवां फिर आ गए। अनवर मकसूद वो जवान तो जब मौका मिला आ जाएंगे, आते रहेंगे, तुम ही लोग दावत देते हो उनको। पाकिस्तान की तारीख देख लो। फिर ये ख़त तबील है, लंबा है। जानी कर्ज़े की मांग, कर्ज़ा मांग रहे, तुम्हारे वज़ीर आज़म कर्ज़ा मांगते हैं, वज़ीर ख़जाना कर्ज़ा मांगते हैं, और कर्ज़ा उनसे कह रहा है कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जानी क़यामत की दो ताज़ा मिसालें में निशानियां मेरे पास मौसूल हुई हैं परसों, बिल्कुल ताज़ा हैं ये क़यामत की निशानियां। जब हुकूमत जाहिलों के पास हो और पैसा गरीबों के पास हो तो जानी समझ जाओ क़यामत आने वाली है। और जानी जब काले जूते पहन के हिजड़े एक तहरीक इंसाफ के आदमी को मारें, समझो क़यामत करीब है। जानी मैंने अपनी ज़िंदगी में तीन बड़ी फॉल्स देखी हैं। एक थी फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, दूसरी कनाडा की नियाग्रा फॉल, और तीसरी पाकिस्तान के इख्तदार की फॉल। इन सब में बड़ी पाकिस्तान के इख्तदार की फॉल है, इसने 14 करोड़ लोगों को डुबो दिया। मुझे सुन रहे हो या सो गए? उन्नीस सौ सैंतालीस 14 अगस्त
पाकिस्तान आ गया वजूद में। 47 पर याद आया, 47 में पार्टीशन के वक्त हज़ारों लोग मर गए या कत्ल कर दिए गए। 76 साल बाद इलेक्शन के 47 ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानी मार दिए। 45 में जीत रहे थे, 47 ने मार दिए। 47 पाकिस्तान जब बना था और 47 फॉर्म में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुनवाई के कान बहरे हो गए थे और बिनाई की आंखें अंधी हो गई थी। जानी इलेक्शन कमिश्नर के नाम पे गौर करो, सिकंदर सुल्तान राजा। ना साले किसी सिकंदर का इलेक्शन से ताल्लुक, ना सुल्तान का इलेक्शन से ताल्लुक, ना किसी साले राजा का इलेक्शन से ताल्लुक। इलेक्शन के दिन अवाम ने सियासतदानों की कालिक अपने अंगूठे पे लगाई, वही कालिक वोट डालने वालों के मुंह पर इलेक्शन कमीशन ने मल दी। इस नतीजे ने तुम्हारी फलाकत ज़्यादा कौम को सारी दुनिया में रुसवा कर दिया, रुसवा सरकारी इदारों और बहादुरों को भी किया, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो रुसवा होने की लत पड़ गई है। जानी दुख भरी बातें बहुत हो गईं, फिर वो कुछ शायरी वायरी है उसके बाद। जानी मैंने एक तुम्हारी तर्ज में एक गज़ल लिखी है, उसका नाम है जमान पार्क की गली। गज़ल का नाम नहीं होता मगर मैंने लिखी है। यानी पुलिस हैरान उस गली में है, एक घुमसान उस गली में है, क्या खबर इन महल नशीनों को, कौम की आन उस गली में है, क्या खबर इन महल नशीनों को, कौम की आन उस गली में है। मैं जो काफिर हूँ उस गली बाहर, मेरा ईमान उस गली में है। मैं जो काफिर हूँ उस गली बाहर, मेरा ईमान उस गली में है। एक महाजिर पुकारे जाता है, वो पठान उस गली में है। सारे ना मेहरबान शहर में है, एक मेहरबान उस गली में है। जानवर जानवर कह रहे हैं आपस में, एक इंसान उस गली में है। एक सिपाही ने मरते वक्त कहा, मेरा सुल्तान उस गली में है। जान जाए तो जाए गम कैसा, मेरी तो जान उस गली में है। और एक बार मुझको जाने दो, मेरा इमरान उस गली में है। जानी परसों एक चौक पर ज़ियाउलहक साहब तकरीर कर रहे थे, उनके साथ यहिया ख़ान, अयूब ख़ान, परवेज़ मुशर्रफ, टिक्का ख़ान, नियाजी साहब, आसिफ नवाज और काफ़ी सारे पाकिस्तानी उनकी तकरीर सुन रहे थे। एक कोने में पीपल्स पार्टी वाले खजूर की टहनियाँ हाथ पे लिए खड़े थे। यहाँ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, अगर किसी के हाथ में खजूर की टहनी हो तो मालूम हो जाता है कि वो एहतजाज कर रहा है। ज़ियाउलहक साहब कहने लगे, मुझे देखो पाकिस्तानियों, अयूब खां को देखो, मुशर्रफ को देखो, नियाजी को देखो, टिक्का को देखो, इन सब को देखो, ये सारी नेमतें तुम्हारी सरजमीन के लिए थीं, तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। जानी 9 मई का वाकया, इमरान के लोगों ने शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मेरे जहन में सूरह आले इमरान के ये अल्फाज गूंज उठे, हरगिज़ ख्याल न करो उनकी बाबत जो शहीद हुए अल्लाह की राह में कि वो मर गए, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास हैं, रोज़ी पाते हैं, शादमा हैं। सूरह बकरा, जो लोग जिहाद में मारे जाते हैं उन्हें मरा हुआ मत कहो, वो तो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम लोग नहीं समझते।
कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल, मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर बशीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, राशिद बिनास, लांस नायक मोहम्मद महफूज, जानी ये सब जिंदा हैं, इनको यादगारों की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारी दुआओं में क़यामत तक रहेंगे। जानी यादगारें जिंदा लोगों की बनाओ, वज़ीरों की, बहादुरों की, ताकि ये लोग मर गए तो इनकी यादगार कोई नहीं बनाएगा। रही यौम सियाह की बात, तो 1947 के बाद हर दिन तुम लोगों के लिए यौम सियाह था। मशरक़ पाकिस्तान हाथ से निकल गया, जानी क्या वो दिन यौम सियाह नहीं था? पेशावर के स्कूल में 300 बच्चों का मर जाना, जानी वो दिन था यौम सियाह? भुट्टो का फांसी देना, जानी वो दिन था यौम सियाह? नासिक का शेर है 200 बरस पुराना, दिन सयाह रात सयाह माह सयाह साल सयाह, दिन सयाह रात सयाह माह सयाह साल सयाह, दिल सयाह बख्त सयाह नाम है आमाल सयाह। जानी बस ओवरसीज पाकिस्तानियों से कह देना, पाकिस्तान पैसा भेजना बंद कर दें, इनका पैसा नहीं आएगा तो शायद पाकिस्तानी अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। मगर जहाँ डॉक्टर साहब हैं, नवीद साहब जैसे, ये मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तालीम से। तालीम अगर होती सबकी गलती, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है 47 से लेके आज तक सबसे कम बजट तालीम पर है, तालीम के बजट ही नहीं होता है। बल्कि सिंध में एक वज़ीर ने कहा था, मुझे याद है, कि हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं सिंध में, ना पढ़ने वाले को पेमेंट होगी ना पढ़ाने वाले को, सब फ्री फ्री फॉर ऑल। मगर डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाएगी, ये काम ये कर रहे हैं, वो इमरान चाहे रहें ना रहें, वापस आएं ना आएं, मगर ये कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और ये एक सी पैक के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, और आप लोगों की मोहब्बत शामिल रही तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनेगी। हिंदुस्तान को 9 तारीख का मैच है पाकिस्तान और भारत का। बाबर आजम का इंटरव्यू था कि हम जीत से ही सीखते हैं, तो भाई कितना सीखोगे? हिंदुस्तान की टीम अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है। उनके हिंदुस्तान में इस वक्त 21 टीमें हैं T20 की, और जो IPL में जो रन बनाते थे वो 300-290, हमसे 140 रन नहीं बन रहे। मगर दिल मत दुखाइएगा, एक ही मैदान है जिसमें हम जीत सकते हैं, वो है क्रिकेट का। और अमेरिका में हो रहा है तो ज़ाहिर है अमेरिका इंडिया की तरफ है, तो और भी मुश्किल है। मगर मैंने जो 100 रुपये लगाए हैं वो पाकिस्तान की जीत पे, तो देखिए क्या होगा। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। इंसान क़यामत पूछ के नहीं आती, अब मुझ पर क़यामत आ रही है। मैं बैठूंगा और अब मेरे साथ, मैंने अपने निकाह में तस्वीर नहीं खिंचवाई। आई थिंक हमारे लिए ये इज्जत और शरफ भी है, और अनवर मकसूद साहब से यही बात हो रही थी कि इस बार वो मिला तो अजब उसका रंग था, अल्फाज में तरंग न लहजा दबंग था, एक सोच थी कि उलझी हुई खालो खद में थी, एक जिस्म था कि रूह से मसरूफ जंग था। मैंने कहा कि यार तुझे क्या हुआ है ये, कहने लगा कि उम्र रवा की अता है ये। मैंने कहा कि उम्र रवा तो सभी की है, उसने कहा कि फिक्र व नज़र की सज़ा है ये। मैंने कहा कि सोचता रहता तो मैं भी हूँ, उसने कहा कि आईना रखा हुआ है ये। देखा तो मेरा अपना ही अक्से जली था वो,
वो शख्स मैं था और हिमायत अली था वो। यही बात थी कि आज अनवर मकसूद साहब ने हमें यानी हमारा ही चेहरा दिखाया। देखिए जब कोई भी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हो और जिनकी जड़ें भी पाकिस्तान में इस कदर मजबूत हों, उनके साथ बैठना वो असल में अल्लाह का सबसे अहम रिस्क है हमारे लिए। खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, लेकिन इन जैसे कदावर शख्सियात को जिन्होंने न सिर्फ कौम के असरार और रमूज की गिरा कुशाई की है बल्कि उसकी निशानदेही भी की है, निशानदेही के अलावा भी अनवर मकसूद साहब ने हमें वो राह भी दिखाई है कि जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाती है। देखें हमें जवाब तो हमें सबको मालूम है, लेकिन हम सवाल भूल चुके थे और अनवर मकसूद साहब ने वो सवाल हमारे अजहान में आज उजागर किए। मैं पूरी कैलगरी की जानिब से, तकमील की जानिब से आपका इजहार तशक्कुर करूँगा। बहुत ही तहे दिल से मुझे मालूम है कि आपने इस कदर यानी तगो दौर और इतनी यानी आपकी फ़्लाइट्स भी पहले कैंसिल हुई, फिर हमारे कैनेडियंस को आपसे इतनी मोहब्बत हो गई कि उन्होंने आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए भी आपको रोक लिया। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद देखिए हमारे लिए इज़्ज़त और शरफ है, आप जहाँ भी जाते हैं आप एक पाकिस्तान की शनाख्त हैं और मैं ये समझता हूँ कि आप हम सब की भी शनाख्त हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे हर बला से, चाहे वो ऊपर से आ रही हो या नीचे सड़कों से आ रही हो, उससे आपको महफूज रखे। आप हमारी कौम का असासा हैं, आप हमारा यानी मान हैं, हमारी परंपरा हैं, हमारी तहजीब हैं, हमारा कल्चर हैं और हमारा सब कुछ आप हैं। आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह से हमें आईना दिखाने की जो है वो आप जसारत करते रहें। और बाकी रहा इंशाल्लाह अगर कोई भी यानी वो होगा तो उसके लिए हमारे पास दूसरे ज़राए भी हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 84 बरस के आदमी के लिए ये बेगैरती की निशानी है कि इन हालात में 84 साल जिंदा है।